कौन है ये? ये हमारे इलाके में घूम रहा था सरदार। पट्टी खोल दो इसकी। क्यों घूम रहा था इस इलाके में? इस इलाके का जायजा लेने। क्यों? तुम्हें कैद जो करना है। कौन है तू? मैं एक चित्रकार हूँ। आदमी के रूप को रेखाओं में कैद करता हूँ और उसके चरित्र को रंगों में सिमट, यही कैद का मतलब है। काफी दिलचस्प आदमी लगते हो। मुझे भी तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आज मेरे मंजिल की एक और सीढ़ी तय हुई। मतलब? मैंने देखा इंसान बागी क्यों बनता है, समाज से बगावत कैसे करता है, लूट मार कत्लो गैरत करते करते इंसान से शैतान कैसे बनता है। जबान को लगाम दे चित्रकार। इंसान और शैतान में तमीज करने की अभी तेरी उम्र नहीं। तजुर्बों की ठोकरे खाने के बाद ऐसी राय देने की हिम्मत करना। दोबारा इस इलाके में कदम मत रखना। अरे बजरंग, एक तमन्ना थी, अगर पूरी कर दो। मैं तुम्हारा खूबसूरत चित्र बनाना चाहता हूँ पुलिस को देने के लिए। अरे कमाल कर दो, पुलिस से मेरा क्या लेना देना, मैं ठहरा चित्रकार। तुम नरक की अप्सरा और चिड़ी का गुलाम यहाँ भी? ए सरदार, देखो मुझे चिड़ी का गुलाम कह रहे। हाँ रेशमा, तू इसे जानती है? हाँ, मुझे तो कोई बहरूपिया लगता है और उस जगह पहुँचाता है जहाँ इसे नहीं जाना चाहिए। पहले सराय, फिर थाने और अब तेरे अड्डे पर। सराय में क्या करने गया था? रहने के लिए कमरा लेने। लेकिन वहाँ कानून और जुर्म का वो संगम देखा जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। देखा बजरंग, मैंने कहा था ना, ये जरूर कोई खतरनाक आदमी है। बजरंग, ये तुम्हारी आंख का इम्तिहान है, पहचानो मैं चित्रकार हूँ या कोई और। कालू, पट्टी बांध कर इसे रास्ते पर छोड़ाओ। और दोबारा यहाँ आओ तो कफन बांध कर आना। अगर कफन लाना भूल जाऊं तो मुझ पर अपना दुपट्टा डाल देना। कालू, छोड़ो इसे। बजरंग की जय हो। अजीब आदमी है, बात कुछ करता है मतलब कुछ और निकलता है। अरे सरदार, तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया? बजरंग, आज तुमने अक्कल से काम नहीं लिया। बजरंग अक्कल से नहीं, दिल से काम लेता है। हाय, काश तेरे पास दिल होता।